लेडीज एंड जेंटमेन वेरी वॉर्म वेलकम टू मॉड्यूल नाइंटी सेकेंड इट इज अ वेरी क्रुशल टॉपिक डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दट आंटरप्रोर चेंज तो होता है चेंज ओर होता है फिर उसके साथ प्रोग्रेस भी होती है लेकिन यहाँ पर तीसरा लफ्ज है चेंज एंड प्रोग्रेस विदाउट अनसर्टेटी क्या ये पॉसिबिलिटी है कि अनसर्टन इन्वामेंट ना आए और मैं चेंज और प्रोग्रेस लेकर आ जाऊँ अच्छा ये आमतौर पर नहीं होता होता यह है कि अर्जेंसी टू चेंज ज और प्रोएक्टिव टू चेंज ये तीन चीजें हुआ करती हैं तो आमतौर पर जब तक अनसर्टेनिटी नहीं आते लोग रिएक्ट नहीं करते होना ये चाहिए प्रोग्रेसिव टू चेंज होना चाहिए और आ, आपको प्रो टू चेंज होना चाहिए यानी अनसर्टेनिटी आने से पहले चेंज लाना चाहिए और अनटर ने और यही करता लेकिन, normally है लेकिन नॉर्मली लोग रिएक्ट करते हैं जब प्रॉब्लम आता है फॉर एग्जाम्पल जब मुझे शुगर आ जाएगी ये नहीं होगा कि मैं तीस साल का हो गया हूं तो मुझे रनिंग करनी चाहिए आमतौर पे होता है कि जब मैं 50 साल का हो जाऊंगा और शुगर आखिरी स्टेज पे होगी तो तब मैं मीठा खाना बंद करूंगा और इंसुलिन पे चला जाऊंगा सो so ये होगा नीड टू चेंज आपको चेंज लाना ही लाना है वॉक करनी ही करनी ही। लेकिन इससे पहले जो होगा वो प्रोएक्टिव टू चेंज होगा सो अब सवाल ये होता है कि रेमिफिकेशन और इंटरकनेक्शन इफेक्ट्स के देखने हैं सो इट सेज द रेमिफिकेशन एंड द इंटरकनेक्शन ऑफ इफेक्ट्स ऑफ एनी पर्टिकुलर चेंज टे थ्रू आउट इट्स इफेक्ट ऑन आउटकम्स हमने देखना होता है आउटकम्स में इसका क्या है फिर हम देखते हैं इसका रिएक्शन डिमांड ऑफ गुड्स पर क्या आ रहा है देन हमने देखना कि अल्टीमेटली इफेक्टिव जो इफेक्ट uh, है वो नियर एवरी फ्यूचर फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री है और प्राइस सिस्टम्स के ऊपर आता है या फिर हमने देखना है कि रिजल्टिंग चेंजेस जो है वो प्राइस पे कंजम्पशन पे या उसका मार्शमल इफेक्ट आता है या उसके नॉमिनल प्राइसेस पर आता है यानी चेंज इफेक्ट किस पर कर रहा है सो so, आमतौर पे हम ये पहले से डिटर्मिन कर लेते हैं जैसे एग्जाम्पल के तौर पर रमजान का महीना ये डिटर्मेंट चेंज है सर्टन चेंज है कि आपने प्राइस चेंज करनी इसी तरीके से क्रिसमस पे आपने सर्टन चेंजेस लेकर आते हैं ये प्राइस है नॉर्मली लोग जो है वो सेल्स के एरिया पे और मार्केटिंग पे तवज्जो देते हैं चेंज के हवाले से फिर ऑब्जर्वेशन और बीट लेते हैं लोगों की वो भी ऑब्जर्वेशन के हवाले से ताकि सेल्स इन्हेंस हो नॉर्मली बहुत कम होता है कि आप फंक्शन उसके आ, उसके आइडियाज उसके यानी डायनामिक्स उसकी फंक्शनैलिटी पर भी गौर करते हैं अक्लमंद लोग वो हैं और चेंज और प्रोग्रेस वाले लोग वो हैं फंक्शनैलिटी के अंदर चेंज लाते रहते हैं आपने कार, कार्स को देखा होगा कि हर वक्त उनकी फंक्शनैलिटी में चेंज आता है वो ज्यादा से ज्यादा कंडीशंस बेहतर करते रहते हैं हेल्थ कंडीशंस बेहतर करते हैं चोटें कम से कम लगे उसके अंदर जो है वो बफर ज्यादा से ज्यादा आए टेक्निकलिटी ज्यादा से ज्यादा आए कार्स के अंदर हॉट सीट रखते हैं फिर आपके डैमेजेस कल के कम हो घुटनों के कम हो इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स क्या होने चाहिए ये फंक्शनल एरिया लेकिन पाकिस्तान में या बाकी ममालिक के अंदर या जहाँ पर भी देखते हैं तो वहाँ पर ब्रांडिंग की तरफ देखते हैं जर्मनी भी इसी तरीके से मुख्तलिफ चीज़ों की तरफ देखता है पाकिस्तान की गजर, आ, अगर हम एग्जाम्पल लें तो हम लोग शेप्स के ऊपर गौर करते हैं कि नए मॉडल की टोयटा के अंदर शेप कौन सी आ रही है होंडा की शेप कौन सी आ रही है और हम ओवरऑल आउटर आउटफिट के ऊपर गौर करते हैं इंटरनल फंक्शनैलिटी को हम नहीं देखते लेकिन ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो नॉर्मली इस चीज़ को बाईपास नहीं करती उनको फंक्शनैलिटी को देखते हैं इफ इट रिक्वायर चेंज एंटरप्रेन्योर चेंज करेगा और प्रोएक्टिव टू चेंज होगा बिफोर द चेंज होगा इसी तरह प्रोग्रेस में बिफोर द चेंज होगा चीजों में बिफोर द चेंज होगा अच्छा इट यानी अनसर्टेनिटी आने से पहले यानी सर्टेन टाइम के अंदर जो चेंज को ले आए वो प्रोएक्टिव टू चेंज है और इसी का मकसद भी यही है दिस इज ऑल अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द चेंज प्रोग्रेस विदाउट अनसर्टनिटी एंड इट गिव्स यू द होल सप्लाई चेन इन टू एक्शन विद्लाई एंड डिमांड कंडीशन इस कोर रेलिवेंट और अगले सर्टन और अनसर्टन डिमांड्स को डिवेलप करती है थैंक यू वेरी मच